नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग एडोबी इन डिज़ाइन से, और यहाँ देख सकते हैं कि मनोज शर्मा जी ने कमेंट किया है कि इन डिज़ाइन के रेक्टेंगल बॉक्स में कई तरह के रंग यानी मिक्स रंग एक साथ कैसे ला सकते हैं, कृपया बताएं। उन्होंने धन्यवाद लिखा है। उसके बाद मनोज शर्मा नजीबाबाद जनपद बिजनौर यूपी, पूरा एड्रेस लिखा है। तो सबसे पहले मनोज शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, और आप इन डिज़ाइन के अंदर ये जानना चाहते हैं कि रेक्टेंगल बॉक्स है उसमें कई तरह के रंग मिक्स कलर आप उसमें फिल करना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, तो ये आप ग्रेडियंट ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इन डिज़ाइन के अंदर रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मिक्स कलर कैसे लाएंगे। तो बताने से पहले मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। ये देखिए मेरा एडोबी इन डिज़ाइन खुला हुआ है और यहाँ देख सकते हैं कि रेक्टेंगल बॉक्स में देखिए मिक्स कलर यहाँ पे फिल किया हुआ है, देख सकते हैं। सेम यही कलर देखिए एक और रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें भी देखिए बहुत सारे कलर्स इसमें आपको मिक्स कलर यहाँ पे फिल किया हुआ है। ये कैसे करते हैं, सिंपल है। तो आप एडोबी इन डिज़ाइन का कोई सा भी वर्सन यूज़ कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। फ़िलहाल मैं एडोबी इन डिज़ाइन 2014 का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको स्टार्टिंग से चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले आप अपना एडोबी डिज़ाइन को ओपन कर लें और एक नया ब्लैंक पेज हम लोग यहाँ लेंगे। तो देख सकते हैं एक ब्लैंक पेज पहले से मैंने ले रखा है यहाँ पर। अब रहा सवाल रेक्टेंगल बॉक्स लेने का, तो यहाँ पर रेक्टेंगल एक बॉक्स लेने के लिए रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करने के लिए ये जो टूल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो टूल है रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने पेज में इस तरह ड्रैग करेंगे, एक सिंपल सा इस तरह ड्रैग करेंगे तो एक रेक्टेंगल इस तरह का शेप, इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। अब इसके बाद इसमें हमें फिल करना है, बहुत सारे कलर इसमें मिक्स कलर फिल करना है। तो ये क्या करेंगे, ये जब रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो टूल है पहला वाला, ये सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अभी भी देखिएगा रेक्टेंगल्स जो शेप है वो अभी भी सिलेक्टेड है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप ये जो टूल बॉक्स में जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा दो टूल यहाँ को नज़र आएगा। एक देखिए ये जो ऊपर वाला है ग्रेडियंट स्वाच टूल दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद या तो इस रेक्टेंगल शेप में आप इस तरह क्लिक करके ड्रैग कीजिए, अदरवाइज सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ इस तरह ग्रेडियंट फिल इसमें फिल हो जाएगा। अभी इसमें कलर ग्रेडियंट बाकी, अभी कलर इसमें फिल करना है। अब इसके बाद ये करने के बाद ये तो सिंपली आप इस तरह ड्रैग कर सकते हैं, तो इसमें ग्रेडियंट कलर फिल हो जाएगा। अब रहा सवाल इसमें बहुत सारा मल्टी कलर इसमें कैसे फिल करेंगे। ये करने के बाद आप ये जो टूल है अगेन इस पर चले जाइए, ये सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक कीजिए। याद रखिएगा ये सिलेक्ट नीचे बॉक्स, ये करने के बाद यहाँ जो ऊपर में यहाँ पे जो मेनू बार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे विंडो मेनू में क्लिक कीजिए और यहाँ से कलर में जाइएगा, और कलर में जाने के बाद इसके सब मेनू में जाइएगा। यहाँ देखिए ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह एक इनका पैनल इस तरह खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट का पैनल इस तरह आपको दिख रहा होगा, ये खुल जाएगा। ये ओपन करने के बाद अगेन आपको क्या करना है, अगेन विंडो में जाना है, जाने के बाद कलर में आना है और यहाँ से इसके सब मेनू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्वाचेस दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट भी दिया है F5, तो यहाँ पे F5 करके भी आप जा सकते हैं। तो इसमें क्लिक कीजिए तो इस देखिए यहाँ पे स्वाचेस का इस तरह खुल चुका है, इस तरह भी खुल जाएगा। अगर ये छोटा नज़र आ रहा है तो इससे आप ये जो नीचे ड्रैग करके इसको बड़ा छोटा इस तरह ड्रैग करके इस पैनल को ड्रैग करके आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो हो चुका है। अब देखिए अभी भी देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी ये जो ग्रेडियंट है इसमें फिल है लेकिन अभी बहुत सारा कलर इसमें फिल नहीं है। अब ग्रेडियंट का ये जो पैनल आपको दिखाई दे रहा है इसमें अगर ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ देखिए वाइट एक स्टॉप बॉक्स दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है, मतलब दो कलर यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक कलर का ग्रेडियंट इसमें शो कर रहा। अब रहा सवाल इसमें कलर ऐड करने का, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप स्वाचेस का जो पैनल है इसमें से जो भी कलर आपको पसंद है, जैसे ये हमको ये कलर पसंद है केऑन वाला, तो इस पर आपको माउस पॉइंटर रखना है, माउस का लेफ्ट क्लिक
पे ड्रैग करते हुए यहाँ पे ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन आएगा, इसमें ला के छोड़ दीजिएगा। जैसे ही छोड़िएगा देखिए यहाँ पे वो कलर यहाँ पे आपको दिखना चाहिए हो जाए, देखिए कलर यहाँ पे फिल हो गया। अगर दूसरा कलर इसको आप यहाँ से ड्रैग करके इधर कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे दिखेगा। अब मान लेते दूसरा कलर इसमें और भी यहाँ पे लगाना है, तो सिंपल है, अगेन आप स्वाचेज में चले जाइए, इस पर माउस पॉइंटर रखिएगा, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखिएगा, उसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके पुट करना होगा। इस पर माउस पॉइंटर रखा, माउस का लेफ्ट क्लिक ड्रैग करके लाके इस पट्टी पे लाके देखिए प्लस का साइन आएगा ठीक यहाँ पट्टी पे, यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे येलो कलर भी यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। अब तीसरा कलर लेना है, अभी एक कलर जैसे ये वाला कलर लेना है स्काई ब्लू टाइप का, इस पर भी ड्रैग करके यहाँ पे लाके इस पट्टी पे लाके छोड़ दीजिए, प्लस का साइन आ गया। देखिए अब यहाँ पे एक दो तीन कलर यहाँ पे फिल हो गया। और कलर फिल करना है तो यहाँ पे ग्रीन कलर भी चाहिए, तो यहाँ पे ड्रैग करके लाके यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे वो कलर ऐड होता चला जाएगा। और इसमें जो बॉक्स आपका ग्रेडियंट जो सिलेक्टेड है उसमें देखिए मिक्स कलर यहाँ पे ऐड होता चला गया कलर, देख सकते हैं। अब रहा सवाल इसको आपको कम ज़्यादा करना है, तो थोड़ा सा इधर ड्रैग कर दीजिए, इसको इधर ड्रैग कर, जितना ड्रैग कम ज़्यादा करना है आप कर सकते हैं। लाइट की तरफ जाता है ये, डीप की तरफ जाता है ये, देखिए हो गया। अगर नहीं लगता है यहाँ भी एक तो और कलर डालना है तो यहाँ पे आप सिंपली इसको ड्रैग करके ठीक यहाँ पे लाके इस पर ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हल्का सा येलो भी यहाँ पे आ चुका है। अब ये तो हो गया, इसमें कलर इस तरह का फिल हो गया। अब यहाँ पे जो ग्रेडियंट ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो लीनियर है आप चाहते हैं नहीं, सर्कल नुमा यहाँ पे आपको दो इफेक्ट है लीनियर, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, रेडियल है, रेडियल पे क्लिक कर दीजिएगा, तो इस तरह आपका कलर फिल आएगा। अगर ये पसंद नहीं आता है तो सिंपली आप ये टाइप वाला बॉक्स में जाइएगा, यहाँ पे इसमें लीनियर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो जैसा है यहाँ पे कलर आ जाएगा। अब रहा सवाल इतना हम लोगों ने पुट कर दिया, मान लेते पसंद नहीं आ रहा या हटाना है कलर, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो कलर से ये जो यहाँ पे लाया हुआ है देखिए जो बॉक्स दिख रहा है, सिंपली इसको ड्रैग करके नीचे इस तरह ड्रैग कर दीजिए, वो कलर यहाँ से डिसअपेयर होता चला जाएगा। ये देखिए चला गया, ये देखिए यहाँ से ये चेंज चला जा रहा कलर, देखिए ये देखिए चला गया, देख सकते हैं। ये देखिए कलर, जो कलर यहाँ पे येलो था ये भी इसको अगर ड्रैग कर देंगे देखिए यहाँ पे चला गया, तो जैसा था एज इट इज़ पहले की तरह हो चुका। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, स्वाचेस का जो पैनल है इसको ड्रैग करके आपको यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए मैं लगा दे रहा हूँ, कलर देखिए फिल होता चला गया, ये देखिए इसमें लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए रख रहा हूँ ग्रीन कलर, यहाँ पे देखिए फिल होता चला गया। उसके बाद ये कलर लगाना, सिंपली इसको ड्रैग करते जाइए, जितना मन करे आप इस तरह ड्रैग करते जाइए, कलर इसमें ऐड होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा, यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा, देखिए येल्लो, यहाँ पे येल्लो भी ऐड हो गया, इस बॉक्स में भी ऐड हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लगा देना है तो यहाँ पे भी कलर ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लग गया, देख सकते हैं इतने कलर आपके मिक्स कलर हो चुका है, इसमें ऐड हो चुका है। इस बॉक्स को आपको जितना बड़ा चाहिए इस तरह ड्रैग कर दीजिए, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह आप रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर इस तरह मिक्स कलर आप फिल कर सकते हैं, ऐड हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग इस तरह का रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कैसे हम लोग मिक्स कलर यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ग्रेडियंट के माध्यम से हम लोग ऐड कर सकते हैं इन डिज़ाइन के अंदर, कलर नहीं पसंद आ रहा सिंपल इस तरह ड्रैग करके इसको इस तरह करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसको भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह आप बढ़ा सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है जैसा आपको चाहिए, कम ज़्यादा यहाँ से ड्रैग करके आप इसमें कर सकते हैं इन डिज़ाइन के अंदर। और भी कुछ जानना चाहते हैं Adobe InDesign से रिलेटेड मनोज जी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।